छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज किसान एकता जय जवान जय किसान। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलकर मारने वालों के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। नवीन भाई वासी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शन करते हुए आप पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी राज में किसानों की हत्याएं होने लगी हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, MSP तय होनी चाहिए। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा को फांसी की सजा देने और पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। शेतकरी ते विचारे काय मागतायत, ते त्यांच्या फक्त न्याय्य हक्कासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करतायत। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देणार हे भाजपच्या जाहीरनाम्यामधले जे मेन पॉइंट आहेत त्याच्यामधला एक मुख्य कलम हे आहे की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे शेतीमालाच्या प्रोडक्शन कॉस्टच्या आम्ही 1.5% आम्ही तुम्हाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस देऊ। पण ते आज त्यांनी जे ते स्वतः असं क्लेम करत की आम्ही खूप क्रांतिकारक 3 कायदे आणलेत, पण त्या तिन्ही कायद्यामध्ये कुठेही हा MSPचा उल्लेख नाही। तर MSPचा उल्लेख नाही म्हणजे हे तुम्ही कायदे पूर्णपणे तुम्ही प्रायव्हेट प्लेयरसाठीच बनवलेले आहेत आणि तुम्हाला APMC पण संपायचं आहे। APMC ज्या बॅड प्रॅक्टिसेस आहेत, APMC जे भ्रष्टाचार आहे, तिथे जी बाबूगिरी चालते, तिथे जी प्रायव्हेट व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी, एजंटची मक्तेदारी चालते, ती तुम्ही चुटकीसरशी मिटवू शकता। जर तुम्ही जर झिरो करप्शनवाला जर गव्हर्नमेंट आलं तर चुटकीसरशी मिटू शकते आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतं। ते आंदोलन त्यांच्या हिताचं नाही असं जर त्यांना वाटत असेल तर सरकारने स्पष्ट करून द्या की ते बिल त्यांच्या हिताचं आहे बा, ते नाही आहे म्हणून तर ते आंदोलन करत आहे ना। आज तिथे शेतकऱ्यांची हत्या झालेली आहे, आक्रोश तिथे उत्तर प्रदेश पूर्ण देश बघतो आहे की न्यायाची अपेक्षा करतोय। सगळे जनता पार्टी सगळे पक्षांचे विरोधी पक्ष जे कोणी देशातले पक्ष आहे त्यांच्यावर प्रेशर टाकल्यामुळे आज ते गृहमंत्रीचे आशिष मिश्रा हे सिलेंडर झाले। जर आम्ही प्रेशर नाही करू तर ते त्यांची हुकूमशाही तानेशाही अशीच चालत राहणार। देशामध्ये जय जवान जय किसान असताना हा नारा असताना जर शेतकऱ्यांची हत्या होत असेल तर अशी तानेशाही हुकूमशाही BJP सरकार हटाव आणि देश शेतकरी बचाव असं माझं म्हणणं राहील। आंदोलनाचा उद्देश लोगों में जागरूकता लाना है क्योंकि पब्लिक हिंदुस्तान की अभी बिचारी अपनी दाल रोटी बिंदी व्यस्त, उनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। वो सुबह निकलते हैं शाम को, अभी मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों को मालूम नहीं क्या पार्टी क्या किसान आंदोलन कैसा एक्सीडेंट हो गया। तो ये जब हम निकलते हैं फील्ड के ऊपर और मैदान में तब लोगों को बताते हैं कि देखिए भाई अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ टोपी पहने तख्ती पहने धूप में हम लोग खड़े हुए हैं, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है और हमको बताते हैं कि भाई आप लोग भी उठिए, सोते मत रहिए, क्योंकि जब ज्वालामुखी अंदर धधक रहा है वो जब फटेगा तो सब लोग मरेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले या दूसरी पार्टी वाले, तो सबको राजनीतिक तौर पर जागरूक होना चाहिए और अपने वोट का अधिकार अच्छी तरह से उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और छोटी छोटी शराब और छोटे पैसे और चावल और उसके लिए अपने वोट को बर्बाद ना करें, अच्छी सरकार चुने। ये सरकार क्या सोचती है कि गाड़ी चढ़ाने से किसानों का हौसला रुक जाएगा या टूट जाएगा? अरे एक जाएंगे हजार आएंगे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और देश के अंदर में ये आंदोलन अपने मूल मुद्दे जो MSP है, जो किसानों के लिए मंडियों के अंदर में खरीद है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है, जब तक चाहे ये कितने भी एलिगेशन लगा ले, चाहे ये कितने भी अत्याचार कर ले, चाहे कैसा भी तोड़ने के लिए कोशिश कर ले, किसान अब टूटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।